एक रात में करोड़पति बन गया ऑटो ड्राइवर। कैसे चमकी रातों रात ऑटो ड्राइवर की किस्मत। टिकट खरीदने के लिए तोड़ी थी बेटी की गुल्लक। फिर जीता सबसे बड़ा लॉटरी नाम। पैसे कमाने के लिए जाने वाला था मलेशिया। फिक्र करता क्यों, फिक्र से होता है क्या, आज कर खुद पर भरोसा, देख फिर होता है क्या। किस्मत की इसी खेल ने एक ऑटो ड्राइवर को रातों रात करोड़पति बना दिया। केरल के इस ऑटो ड्राइवर ने बीते शनिवार को एक लॉटरी टिकट खरीदी थी। लॉटरी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे तो अपने बेटे की गुल्लक तोड़ दी थी। जैसे तैसे पैसे इकट्ठा करके लॉटरी का टिकट ले लिया था। केरल के श्रीभरम के रहने वाले अनूप को उस वक्त अंदाजा भी नहीं होगा कि लॉटरी उसकी जिंदगी बदल देगी। शनिवार को उन्होंने टिकट खरीदा और रविवार को जब विनर का ऐलान हुआ तो अनूप की जिंदगी फर्श से सीधे अर्श पर पहुंच गई। 20 साल के अनूप ऑटो रिक्शा चलाकर अपने परिवार को पाल रहे थे। वो हर बार पैसे जोड़कर 500 रुपए के लॉटरी के टिकट को खरीदा करते थे। ओणम बम्पर लॉटरी में नंबर 1 विजेता को 25 करोड़ का इनाम दिया जाता है। ऑटो रिक्शा को इनाम की राशि में पूरे 25 करोड़ रुपए मिले हैं। इस बार के ओणम बम्पर लॉटरी के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा इनाम है। राज्य के वित्त मंत्री के एन बाल गोपाल ने इस लकी ड्रॉ में अनूप को इनाम दिया है। इस तरह से अनूप एक रात में करोड़पति बन गए। हालांकि अनूप को पूरी 25 करोड़ की रकम नहीं दी जाएगी क्योंकि लॉटरी से हुई कमाई पर भारी भरकम टैक्स देना पड़ता है और अनूप को भी टैक्स काटने के बाद की बाकी रकम मिलेगी। उन्हें टैक्स काटकर 15,75,00,000 रुपए मिलने वाले हैं। अनूप की किस्मत ने उस वक्त करवट ली जब एक दिन पहले उन्होंने 3,00,000 रुपए का कर्ज लेने के लिए आवेदन किया था। अनूप ने जो पहला टिकट खरीदा था वो उन्हें पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने दूसरा टिकट लिया और उस पर जीत हासिल हुई। जिस दिन अनूप की लॉटरी लगी उससे एक दिन पहले ही अनूप 3,50,000 रुपए का लोन के लिए बैंक में अप्लाई कर रहे थे। अनूप ने इस पैसे से मलेशिया जाने की तैयारी कर ली थी क्योंकि यहां ऑटो चलाकर उन्हें गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। जिस दिन लॉटरी लगी उसी दिन बैंक ने फोन किया, आप लोन ले सकते हैं, लेकिन अनूप ने बैंक कर्मियों से कह दिया कि अब मुझे लोन की जरूरत नहीं है, अब मैं मलेशिया नहीं जाऊंगा। अनूप ने बताया कि वो पिछले 22 साल से लॉटरी टिकट खरीद रहे थे और अब तक उन्हें कुछ 100 रुपए से लेकर अधिकतम 5,000 रुपए तक ही इनाम में मिले थे। उन्होंने कहा था कि मुझे जीतने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैं टीवी पर लॉटरी के नतीजे नहीं देखता था, लेकिन जब मैंने अपना फोन देखा तो पता चला कि मैं जीत गया हूँ। मुझे यकीन नहीं हुआ तो मैंने लॉटरी बेचने वाली महिला को टिकट का चित्र भेजा, तब यकीन हुआ कि मैं जीत गया हूँ। अनूप ने कहा कि वो सबसे पहले इस पैसे से अपना घर बनवाएंगे, उनके ऊपर जो कर्ज है वो उतारेंगे, रिश्तेदारों की मदद करेंगे, चैरिटी के साथ साथ खुद का होटल खोलने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑल इंडिया।